हेलो शार्क्स, आप ही की तरह मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी ऊपर वाले से कोई एक साइन का इंतजार किया है। तब रियलाइज हुआ कि ऊपर वाले से साइन तो बहुत मिलती है पर हम समझ नहीं पाते। वैसे वैसे भगवान समझ आ गया, ये थोड़ा टू मच हो रहा है। इसी तरह हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमें एक आइडिया आया, क्यों ना इसी साइन से एक अटैक किया जाए। डरिए मत, इससे कुछ ब्यूटीफुल लवली लवली शार्क्स, यू आर नाउ ऑफिशियली नियॉन अटैक्ड। नाइस शार्क्स, मेरा नाम है हार्दिक। और मेरा नाम है कार्तिक। हम आए हैं हैदराबाद से आपकी जिंदगी में चार चांद लगाने विद नियॉन अटैक। हम बनाते हैं प्रीमियम क्वालिटी एलईडी नियॉन साइंस आपके घर, ऑफिस और इवेंट्स के लिए। अब चाहे एसआरके का फेमस डायलॉग हो, आपके स्टार्टअप का लोगो या कपल का वेडिंग हैशटैग, आप बस हमें अपना आइडिया बताइए, उसे नियॉन साइन में हम बनाएंगे। neonattack.com की वेबसाइट पर आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। आपको सिर्फ टेक्स्ट एंटर करना है, फॉन्ट साइज कलर सेलेक्ट करके आप अपना पर्सनलाइज साइन ऑर्डर कर सकते हो। बट शार्क, अगर एक कलर चूज करना इज टू मच कमिटमेंट फॉर यू, तो हमारे पास है फ्लोरो। ये मेरी एक्स से भी ज्यादा रंग बदलता है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाते हैं। ये ट्रेडिशनल नियॉन गैस साइंस के मुकाबले 80% लेस पावर यूज करते हैं और हम इसके साथ 2 साल की वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। हमने आज तक 12,000 से ज्यादा कस्टमरों की लाइफ को लाइट अप किया है और हमारे इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। हम दुनिया के हर कोने में अपनी साइन पहुंचाना चाहते हैं और हर किसी के दिल और घर में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो शार्क्स, इसी विजन को पूरा करने के लिए आज हमारी आपसे आस्क है 75 लाख और 3% इक्विटी ऑफ आर कंपनी। तो शार्क्स, आपको भी ऊपर वाले की कोई साइन मिली या नहीं? आप दोनों की एज क्या है? तो हम दोनों सिब्लिंग्स, हम दोनों सगे भाई हैं। अच्छा, मेरी एज 25 इयर्स। आई एम 27। वेरी नाइस। तो लोकल छोटी छोटी दुकानें होती हैं हर शहर में, वहाँ पर भी मिलती हैं ये सारी चीज़? हाँ। व्हाट इज डिफरेंट? हमारा 3 core USPs है। प्रोडक्ट में हमारी जो क्वालिटी है, द मटेरियल्स दैट वी यूज, हमारी लाइट्स ट्रेडिशनल कोई भी नियॉन साइन से 3 गुना ज्यादा चलती है। नहीं नहीं, हार्दिक वो सही कह रहे हैं कि इसमें ये तो बहुत बार देखा है, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार देखा है। यूनिक थोड़ी है, मतलब आपने बताया आप 80% लेस पावर यूज करते हैं। भाई उसको जवाब तो देने दो, let him finish his answer. No, but why didn't he start with that? वो दोनों नाइट सेम है ना मिता? उसको जवाब तो देने दो यार उसको। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। थैंक यू। यस, तो ट्रेडिशनल आप अगर देखो 1980s में ट्रेडिशनल नियॉन गैस साइंस होती थी और वो साइंस यूजुअली बंद होना, इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन हो रहा है नियॉन गैस से एलईडी पे। लोकल जो शॉप है उसमें ये एलईडी मिलती है आजकल, उसमें मिलती है। हाँ। इसमें बहुत क्वालिटीज होती है। हार्दिक कार्तिक, ये बोलने की बातें हो गई यार। ये मतलब कोई कपड़ा तो है नहीं जो आप पहनते हो जो मैं क्वालिटी 10 बार देखूंगा। ये एक साइन है जो हजारों लोग बनाते हैं, नॉट जस्ट इन गली नुक्कड़, ऑनलाइन। तो धंधा तो है, पान बेचना भी धंधा है, लेकिन ये इन्वेस्टेबल बिजनेस कैसे हुआ? इसमें ऐसी क्या बात है कि आप एक मोट बना सके, एक पोजीशन अपनी कायम कर सके जो और कोई नहीं कर सके? नियॉन अटैक का वन मोर वेरी बिग यूएसपी इज आवर इनोवेशन। हम लोगों को जैसे ही पता चला वी हैव लॉन्च फ्लोरो। फ्लोरो इज नॉट अवेलेबल इन द एंटायर वर्ल्ड। हमारे पास में वी हैव बिल्ड द होल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जिसको आप हमारे स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो, द कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो आपने मेन पॉइंट बोला, ये आप आपके स्मार्टफोन से उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, आपके मूड में उसको अपसेट कर सकते हो। Then again, we have also launched India's first fully waterproof neon sign, IP67 rated, जिसको आप outdoors के लिए use कर सकते हो। So, जो भी neon के category में नहीं करेगा ना सर, उसको पता नहीं चलेगा कि problem क्या आ रही है customer से। हम लोगों ने launch किया breakproof signs, मतलब आप sign को bend भी करोगे ना sign नहीं टूटेगी। For event people, आप local को जाओगे उसको समझने भी नहीं आएगा कि उनकी requirement क्या है। For them, every customer is the same. पर LED lights में light changing तो आज भी exist करते हैं, सारे LED screens आते हैं, वो टीवी भी चला सकते हैं। हाँ, बट नॉट सेम टेक्नोलॉजी वहाँ भी यूज होती है। हाँ, बट नॉट पर्टिकुलरली फॉर नियॉन साइंस, क्योंकि उसको आपको स्मार्टफोन से कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर एक लाइट होगी ना, तो ये कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आपकी नहीं। प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, पर मेरे लिए आपका कस्टमर जानना बहुत जरूरी है, तो बताइए। Yes, तो हमने अपने कस्टमर्स को 3 segments में डिवाइड किया है। Okay. पहले आता है होम डेकोर सेगमेंट, किड्स रूम इज अ गुड कैटेगरी, गेमिंग रूम इज अ गुड कैटेगरी, आजकल होम बार चलता है, राइट?
होम थिएटर्स होते हैं, तो हमारे वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं होम डेकोर में. देन आते हैं बिजनेसेस. बिजनेसेस में होते हैं कैफे, रेस्टोरेंट, सैलून हो गया, या बार हो गया, पब हो गया, या फिर आपके जैसे स्टार्टअप्स हो गए जो अपने ऑफिस में लगाना चाहते हो, राइट? देन आते हैं इवेंट मैनेजर्स एंड इवेंट प्लानर्स. नाउ इट कैन बी अ डायरेक्ट यूजर, जैसे कि अगर किसी की शादी उसको खुद के लिए बनाना है अपने इवेंट्स में, वो लगा सकते हैं, या फिर कोई इवेंट प्लानर भी लगा सकता है. तो ये रेंटल पे होता है इवेंट प्लानर का? इवेंट प्लानर्स को खरीदना पड़ता है. बट इवेंट प्लानर्स क्या करते हैं, अगर जैसे उन्होंने बना लिया बेटर टुगेदर या फिर कुछ ऐसे बना लेते हैं, काफी वेडिंग्स में यूज कर सकते हैं. एंड फॉर द सेम थिंग, अगर कपल्स बना रहे हैं, वो हैशटैग बना रहे हैं, दे विल यूज इट इन देयर वेडिंग और इवेंट, देन दे विल यूज इट इन देयर होम्स, लिविंग रूम में, बेडरूम में, और द नेक्स्ट वेडिंग. आप लोग मोस्टली किसको बेचते हैं, एंड यूजर्स को? आपकी वो स्प्लिट क्या है B2C B2B में? हमारी 70% सेल्स वेबसाइट से आती है, 30% हमारी सेल्स व्हाट्सएप चैनल से आती है. मोस्टली उसमें कस्टमाइजेशन बिकता है, दूसरा बिकता है? कस्टमाइजेशन ब्रिंग्स 60% ऑफ द रेवेन्यू. होम डेकोर से आता है अराउंड 25%. अराउंड 45% रेवेन्यू पूरा बिजनेस से आता है. 70 plus 30 plus 45 to 145. Customization 60%, standardized format 40% equals 100%. Medium of selling, website 70, WhatsApp 30, 100%. Now type of customers mein he finished home decor 25, business 45, to ho gaya 70% and event planners 30%. Ye thoda 5% upar niche hota hai, but majorly split aise hai. Businesses se hi humko maximum revenue aata hai. Understood. Average order value kya hai? 9,500. Sales kya hai? Sales last month we did 63 lakhs gross. Last month? Yes. And saal kitne mein close karenge aap? This year we will do 10 CR. Oh, very nice. Wow. Amazing. Last year kitna kiya aapne? Last year we did 4.75. Aur usme profit kitna tha? Hamara 15% profit margin tha. Aur net bacha tha aapke? Net hamare paas. Aur pichle mahine aapne kitna sales kiya? 63 gross. 63 gross net sales? Net 5350. Aur usme profit kitna tha? 15% था. 15%. Yes. So 7.5 lakhs. 7.5 lakhs. Yes. घर पे अपना बचा. Yes. Okay. Incredible. Hardik and Karthik, I'd like to give you an offer. Thank you. आपने देखा starting से मैं आपके तरफ से बोल रही हूँ. ये जो chemistry होती है, I think that's important between the founder and investor. And I have to tell you कि यहाँ आके she was like I would never do this. Yes. And आपकी pitch के बाद जो chemistry जमी है. My two boys जो 18 साल के और 13 साल के हैं, most excited about the game room. और वो game room में इतने सारे ये customization उन्होंने, I mean that is what they are working on. 3-3 महीने में मैं Amazon पे जाके reorder करती हूँ. तो माई पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आपका ये जो करंट एरिया है ऑफ बी टू बी, आई थिंक आपने वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है. देयर आई वॉन्ट टू हेल्प यू. अभी आप करंटली सिर्फ वेबसाइट और व्हाट्सएप पे हैं. आई थिंक देयर इज अ लॉट यू कैन डू, मार्केट प्लेसेस, रिटेल चैनल्स. आई थिंक इसका बहुत पोटेंशियल है. माई ऑफर टू यू इज, आपने मांगा है 25 क्रॉस का वैल्यूएशन, राइट? मैं आपको सेम वैल्यूएशन दूंगी. मैं आपके साथ हैगल और नेगोशिएट नहीं करूंगी. आई विल गिव यू 25 लाख इन इक्विटी फॉर 1% इक्विटी. बट आई थिंक ये ऐसी डील है जहां रॉयल्टी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सो आई वुड लाइक टू गिव यू 50 लाख सच दैट आई गेट मे बी 5% ऑन ईच प्रोडक्ट एज रॉयल्टी. एटलीस्ट मेरे 1.5 करोड़ हो गए. Decision is yours. We would like to hear everyone. We thank, first of all, thank you so much, Namita. As fast as Namita, in terms of decorating my house and all, usko supply secure karna tha. To dekho, mere ko investment karna hai. To mere ko thoda samajhna padega. Market size. इंडिया में क्या है, आपने अंदाजा लगाया इसका? Yes. इंडिया में इसका मार्केट साइज 8,000 करोड़ से तो बड़ा ही है. Yes. मैं आपको नॉट पॉसिबल, 100% पॉसिबल, नो वे. ये आप साबित कीजिए इम्पॉसिबल. होम डेकोर में हमने अपने 2-3 TG उठाए, गेमिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, किड्स रूम हो गया एंड होम थिएटर हो गया, राइट? गेमिंग ही इंडिया में 1 लाख प्रोफेशनल गेमर्स है. तो हमको लगता है कि गेमिंग वाले जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके पास सामने हमेशा एक वॉल होती है जहाँ पे उनको कुछ लगाना है. उनसे वी गेट आई थिंक समवेयर अराउंड 8,800. आपने एस्टिमेशन किया है बेस्ड ऑन पोटेंशियल कितना हो सकता है? यस, ठीक है, दैट इज नॉट कॉल्ड मार्केट साइज. बट क्यों टैम है ये?
नहीं नहीं, मार्केट साइज के लिए यू नीड डेटा कि एक्चुअल अभी क्या हो रहा है. इन्होंने एस्टिमेशन किया है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल, उसमें बहुत अजम्पशंस होते हैं ना. दैट्स नॉट माय पॉइंट इज 9000 करोड़ टैम नहीं है, इज नॉट अनबिलीवेबल. नो, 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता. हम लोग 2000-3000 के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं जो जो कस्टमर के पास इतना परचेसिंग पावर नहीं है, बट उनको न्यून साइन चाहिए, राइट? बट उनको हाई क्वालिटी का चाहिए, उनके लिए भी हमारे पास छोटे प्रोडक्ट्स हैं. हम लोग आपको बता सकते हैं. दिखाओ दिखाओ. मेरा फिर भी ठीक लग रहा है. ओह माय गॉड, ये आपने सही पहचाना यार. दिस इज द वन यू गॉट राइट. आई लव इट, थैंक यू सो मच. Hey, clarify to everyone, this is an injection. And clarify, this is a lipstick. ये सब चीजें, ये थोड़ी फैडिश नहीं होती है. जैसे आजकल एलईडी लाइट्स, नियॉन साइंस चल रहा है. Maybe in the next 2-3 years, ये वेव कभी भी पलट सकता है, ठीक है? If that happens, you will be completely out of business. नहीं होता है यार, सालों से. नहीं, this is kish यार, वो मतलब. No, तो सर, वो इसको आप साइनेज बिजनेस के लिए देखिए. जैसे हाँ जी, आपका स्टोर है, आपका एक कैफे है, आपका रेस्टोरेंट है, या फिर आपका कोई भी ऑफिस हो, आपको लगाना है आपका लोगो. आपके पास क्या ऑप्शन है लोगो लगाने के लिए? आप या तो फ्लेक्स फ्लेक्स लगा लोगे, या तो आप एक्रेलिक की कोई साइन लगा लोगे जिसका आपका लोगो. आपके सबके ऑफिस में भी हमने देखा है कि कुछ ना कुछ लोगो होता है, राइट? तो साइनेज बिजनेस में आप इसको अगर कंसिडर करें, सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. होलोग्राम्स, राइट, जो जगह जगह थोड़े बहुत दिखने लगे, अगर एकदम से रियलिटी बन जाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाती है, तो maybe this will get replaced with hologram. तो सर, हम लोग टेक्नोलॉजी को इतना पहले से ला लेते हैं, हम वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं. फ्लोरो हमने फर्स्ट लाया है, वाटरप्रूफ हमने फर्स्ट लाया है, तो हम आपको गारंटी देंगे अगर कुछ भी नवा आएगा ना, तो वो नियॉन अटैक से आएगा. हार्दिक कार्तिक, आप एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर हैं, फर्स्टली, एंड सेल्समैन, क्रेजी सेल्समैन. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ना, ये कुछ भी बड़ा स्केलेबल बनाने के लिए बहुत क्लियर चॉइस करना पड़ता है कि क्या हम नहीं करेंगे. And in my experience, कोई भी ये जो B2B services, customization वाले businesses होते हैं, वो बहुत झंझट वाले होते हैं, because उसमें वो agency business बन के रह जाते हैं, scale नहीं आता. And I don't think you are at the point जब आप जहाँ आप B2B को ना कर सकते हो. पर जब तक आप B2B को ना नहीं करोगे, तब तक आप B2C product business, super scalable, neon attack, global brand वो नहीं बना पाओगे. B2C जो प्रोडक्ट बिजनेस जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, विच इज यू नो सेलिंग द साइंस एज इज टू कंज्यूमर्स, वो बहुत स्केलेबल है, पर अभी वो एक छोटा परसेंटेज ऑफ योर बिजनेस है. तो फॉर मी राइट नाउ, दिस इज नॉट एक्साइटिंग एज एन इन्वेस्टर. अगर आप B2B को शट करके किसी दिन B2C बनाना चाहो, तो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड. फॉर नाउ आई एम आउट. बस मुझे ना ये प्रोडक्ट ठीक लगा. ये जो आपने बनाया, ये तो सॉलिड है, बादशाह का सलाम. लेकिन यार, क्वालिटी जो है, जो प्लास्टिक एक्रेलिक जो लगाया हुआ है, मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी कि और कोई नहीं बना सके. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. कुछ साल पहले वुडन साइन बोर्ड्स की फैड चली थी. 10-15 कंपनी खड़ी हो गई ऑनलाइन टू सेल वुडन बोर्ड्स, राइट? कोई बड़ा नहीं बन पाया क्योंकि ये कमोडिटाइज है, कोई भी कर सकता. सो दैट्स द रीजन आई एम आउट. लेकिन गुड लक गाइस, अच्छा काम कर रहे हो आप एज फाउंडर्स. एक्सेप्शनल फाउंडर्स लगे आप लोग मेरे को. बहुत अच्छा आपने बनाए, पर बिजनेस बहुत कमोडिटी है, और मैं इसके अंदर वो 10x बेटर कैसे चीज़ होगी वो नहीं समझ पा रहा. वन सेकंड, मुझे लगता है अगर आपने सच में बड़ा बिजनेस बना लिया, तो बहुत लोग फिर ऑनलाइन करने लग जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी रेप्लीकेबल है. तो आज इस वजह से मैं आउट होना चाहूँगा. मैं तेरे को ऑफर देता हूँ. थैंक यू. इससे पंगा लेगा थोड़ा सा. अटैक. ठीक है, तो मैं तेरे को दे दूंगा 75,06%. वाओ, आई हाय, 75 लाख फॉर 6%. थैंक यू मैन, थैंक यू फॉर योर ऑफर. वन मिनट. आप मेरे को कंसल्ट करना चाहोगे? नहीं भाई, नहीं, प्लीज, बिल्कुल नहीं. जब नया ऑफर सुनिए, हमें रॉयल्टी चाहिए इसमें, ठीक है? 25 लाख फॉर 2% इक्विटी, तो आपका वैल्यूएशन बनता है 12.5 crores. 50 लाख for royalty deal at 5% till hamara 1.5 crore bane. Better to nahi hai na, valuation to same hai, and better because you're getting two sharks. Equity kam deni padi na, tere pe acha business hai tera. We were thinking 50 lakhs
for 2% equity and the remaining 25 lakhs in royalty for 2%. We can do 2x, no? 50 lakhs. Yeah, 2x. अच्छा अभी हमारा काउंटर सुनो, हमने आपको दिया था 12.5 crore वैल्यूएशन, वे इंक्रीजिंग दैट टू 15 crores, तो हम आपको 30 लाख देंगे इन इक्विटी एट 2% सच दैट यू गेट अ 15 क्रोर वैल्यूएशन एंड द बैलेंस 45 इज अ ग्रेट वैल्यूएशन गिवन दैट योर लास्ट ईयर सेल्स सिर्फ 5 crore थी, सो इट्स 3 times एंड 45 लाख इन रॉयल्टी 2% पे करेंगे वर्सेस 5% जो मैंने मांगा था, बट टिल इट रीचेस 3x which is 1.35. पांच गिन रहे हैं, 5, 4, नहीं? Please, हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर बता, 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 क्या प्रॉब्लम? नॉन नेगोशिएबल। हम लोग का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड। तो चाहते हैं कि 50 लाख 2% उसमें एंड रॉयल्टी एट 2x। ठीक है, डन। Good negotiation. Good negotiation. Super. Good deal.